Hi guys, welcome back. Today I am going to realize an IIR filter and the structure is ladder structure and the method is continued fraction. So here I am going to realize a ladder structure by continued fraction method as per the given transfer function HZ which is here. So let's start with example. IIR filter ladder structure by continued fraction. So first we will understand continued fraction. Let us suppose that we will divide a numerical value. तो पहले हम लोग continued fraction को समझते हैं एक numerical value को लेकर के. So example के तौर पे 246 divide by 115. जब मैं 246 में 115 का भाग दूंगा तो क्या क्या प्रोसेस होगा चलिए देखते हैं. सो जस्ट 115 एंड 246. अब मुझको 246 को डिवाइड करना है बाय 115 से. सो सिंपली जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बचपन में डिवाइड किया था, 2 टाइम्स गया, ये आ गया आपका 230. इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया दैट इज 16. इस रिमाइंडर 16 से अब हम फिर वापस इस 115 को डिवाइड करेंगे. सो 115 अगेन दिस इज 7 टाइम्स एंड द वैल्यू इज 112. इसको मैंने फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आपको सिर्फ बचा 3. अब 3 में से अब 16 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से. सो 16 को 3 से डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स गया यानी कि 15 वैल्यू आ गई. इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन ये आपको बचा 1. देन 3 को अगेन 1 से डिवाइड किया, सो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3. ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये आ गई वैल्यू 3 एंड अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या बच गई, 0. तो कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन में आप देखिए पहले 115 को डिवाइड किया, इसमें जो ये वैल्यू आई रिमाइंडर की, इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड किया, फिर ये 3 रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर से फिर इस वैल्यू को डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 1 आया, इस रिमाइंडर से भी मैंने इसको डिवाइड किया. तो डिवाइड करते करते इसको ले जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए. क्लियर. अब इसको राइट करने का तरीका क्या है, अब जैसे ये राइट करने का तरीका, इसका ये सबसे पहला क्या था, 2 प्लस फिर क्या है 7 यानी कि 1/7, फिर क्या है 5 तो प्लस 1/5, फिर क्या है प्लस 1/3. तो दिस डिवाइड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन विच इज हियर. So let's see here, you may write this divide by continued fraction in this format. अब इसको रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक बाई रिवर्स मैथड. सो 3 5 जा 15 प्लस 1 एक 16, सो 16 बाई 3, ये 3 आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 3 बाई 16 7, ये आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3, ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 1/1 15 बाई 16, ये 16 वापस से यहाँ पर आ गया क्योंकि डिवाइड बाई है. देन इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, देन सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई. यानी कि जो ये मेथड है कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन का, ये बिल्कुल वैलिड मेथड है जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन था. तो कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन में आप सिंपली डिवाइड करते जाएंगे और जो भी आपका आंसर है 1 प्लस 2 प्लस 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/3 अप टू जहाँ तक ये वैल्यू डिवाइड हो रही है. ओके सो ये मेथड है कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन का. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ IIR फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन. सो लेट्स कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर IIR फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन HZ डिफाइंड एज. Here
The transfer function is 1 plus 3 z to the power minus 1 plus 2 z to the power minus 2 divided by 1 plus z to the power minus 1 plus z to the power minus 2. First of all, we will write this transfer function in the ascending power of z. So see here, ascending power, पहले मैंने minus 2 को लिखा, फिर minus 1 को लिखा, फिर 0 को लिखा, तो numerator and denominator दोनों को ही ascending power में पहले लिख लीजिए और फिर आप उसको continued fraction से divide करना शुरू कीजिए. Let us see, ये मैंने divide किया ऐसे, ठीक. अब यहाँ पर 2 to the power 2 into z to the power minus 2 है, तो यहाँ पर 2 आपको रखना होगा, तब ये कैंसिल आउट होगा. तो देखिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें तो ये आ गया. मल्टीप्लाई होने के बाद 2 z टू द पावर माइनस 2, 2 z टू द पावर माइनस 1 प्लस 2. इसके बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए. अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा, z टू द पावर माइनस 1. क्लियर. अब ये आपका जो रिमाइंडर है, फिर रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे. सो सी हियर, ये वैल्यू ले करके रिमाइंडर से डिवाइड कर दिया, जेड टू द पावर माइनस वन. सो सिंपली वी विल राइट हियर जेड टू द पावर माइनस वन. सो जेड टू द पावर माइनस वन, तो जेड टू द पावर माइनस टू एंड माइनस ऑफ जेड टू द पावर माइनस वन, अगेन सब्ट्रैक्ट इट. सो हियर माइनस एंड प्लस, दिस अगेन दिस इज कैंसल. सो टू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन, ये वैल्यू आ गई. अब अगेन वी विल डिवाइड जेड टू द पावर माइनस वन बाय दिस रिमाइंडर वैल्यू. सो सिंपली इसी तरीके से आप इसको डिवाइड, यहाँ पर 1/2 टाइम्स गया, ये वैल्यू आ गई. फिर सब्ट्रैक्ट मैंने इसको कर दिया. सो सिंपली यू विल सब्ट्रैक्ट एंड -3/2 एंड अगेन दिस वैल्यू एंड -4/3 जेड इनवर्स. सो सिंपली सब्ट्रैक्ट इट. सो रिमाइंडर इज 1 अगेन -3/2 डिवाइड बाई 1. सो -3/2 टाइम्स एंड अगेन द वैल्यू इज 0. सो सिंपली यू विल डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड बाई रिमाइंडर वैल्यू. सो यू मे राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्मेट ऑफ 2 विच इज हियर प्लस 1 अपॉन z टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 अपॉन -4/3 z इनवर्स प्लस 1 अपॉन -3/2. सो दिस ट्रांसफर फंक्शन इज रिटन लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था. क्लियर. नाउ दिस एच जेड विच इज गिवन दिस ट्रांसफर फंक्शन इज रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मेथड. तो लैडर स्ट्रक्चर में किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग इस फॉर्मेट में लेकर के आते हैं. तो मैं इसको एक जनरल फॉर्मेट मान लेता हूं. आई एम जस्ट टेकिंग इट अ जनरल फॉर्मेट. सो सिंपली इन जनरल फॉर्मेट द फर्स्ट वैल्यू इज अल्फा 0 प्लस बीटा 1 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस अल्फा 1 बीटा 2 जेड टू द पावर माइनस 2 अल्फा 2 एंड सो ऑन. और भी वैल्यू होंगे तो लिखते चले. इस जनरल वैल्यूज को एक लैडर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं. वो लैडर स्ट्रक्चर क्या है, वो लैडर स्ट्रक्चर है आपके सामने अल्फा 0. यहाँ पर अगर ये बीटा है तो यहाँ पर आपको माइनस ऑफ बीटा 1 रखना है. फिर अल्फा 1, ये सेम ऐसे ऐसे गया. फिर यहाँ पर बीटा 2 है तो यहाँ पर माइनस ऑफ बीटा 2 एंड अल्फा 2. तो ये एक जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज सेम एज अ लैडर. सो सिंपली इनपुट एक्स जेड, आउटपुट वाई जेड. सो प्लस साइन हियर, प्लस साइन हियर. फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसमें प्लस यहाँ यहाँ आएगा, जो जेड इनवर्स में है वो प्लस टर्म यहाँ यहाँ है. तो इस फिगर को आप
चाहें तो याद भी कर सकते हैं और भी हायर ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के लिए। और ये फिगर कहाँ से आया है, हाउ टू ड्राइव दिस फिगर फ्रॉम दिस जनरल फॉर्मेट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे ड्राइव होकर के आया है। सो सिंपली यू मे सॉल्व लैडर स्ट्रक्चर बाय सिंपल मेथड व्हिच इज कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मेथड। सो अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अगर मैं इसमें रख दूँ इस फिगर में, तो अब देखिए वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। ये फर्स्ट वैल्यू 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बीटा की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर माइनस ऑफ बीटा 1 आ गया यहाँ पे। फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/2, कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लेंगे तो प्लस आ जाएगी 4/3, देन कॉन्स्टेंट वैल्यूज -3/2, तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज -3/2। सो सिंपली इन 3 स्टेप यू कैन ड्रॉ द लैडर स्ट्रक्चर ऑफ एन IIR फिल्टर बाई कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन इन 2 स्टेप्स। इन दिस स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप। बस यहाँ पर यह कि आपको ये फिगर याद करना पड़ेगा। ये फिगर आया कहाँ से, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ लैडर स्ट्रक्चर। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वजह से मैं इसको बहुत सिंपल वे में लेकर चल रहा हूँ। सो दिस इज द लैडर स्ट्रक्चर ऑफ एन IIR फिल्टर बाई कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मैथड। सो अगेन टू बी कॉन्टिन्यूड एंड थैंकिंग यू। इफ यू लाइक दिस एग्जाम्पल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी एंड राइट सम कमेंट फॉर दिस एग्जाम्पल। थैंक यू।